कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं रोप फ्रॉग निंजा हीरो गेम। एंड गाइस आज हम लोग करने वाले हैं फार्मिंग। हम लोग तरह तरह की चीज़ें उगाएंगे एंड उन्हें सेल करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे। तो हमें फार्मिंग के लिए सबसे पहले चाहिए पैसे। तो यहाँ पे मेरे पास 61,000 डॉलर्स हैं, तो फिर मैं इसे निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम अपने फार्म के लिए निकल चुके हैं। तो हम लोगों को पहले ट्रेन में जाना होगा। तो गाइस हम लोग फार्म में आ चुके हैं एंड यहीं पर आगे ही हमारा फार्म है और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। एंड गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो फिर इस गेम में एक लैम्बोर्गिनी भी होती है पुलिस के लिए। तो गाइस हम लोगों ने हमारे पास ये दो एनिमल्स पहले से हैं। एक तो है हमारे पास गोट एंड दूसरी है शीप। एंड अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे फार्मिंग। तो हम लोगों को सबसे पहले चाहिए होगा हमारा ट्रैक्टर। तो हम लोग गैरेज में जाते हैं एंड हमारा ट्रैक्टर स्पॉन कर लेते हैं। एंड ये रहा हमारा ट्रैक्टर एंड हम लोग इसे से कर लेंगे स्वान। एंड अब देखते हैं हमें करना क्या है। तो गाइस हम लोग अब उगाने वाले हैं चीज़ें। तो हम लोगों को यहाँ पर वीट उगा सकते हैं हम लोग। एंड अब हम लोग वीट को निकालने वाले हैं। ये हम लोग यहाँ पे हल चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया प्लो एंड अब हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके तो मैं फटाफट से ये काम कर देता हूँ। एंड गाइस अब हमारा ये वाला काम भी पूरा होने ही वाला है। 95% हो गया है हमारा ये काम एंड 98, 99, 100। तो हम लोगों को पैसे भी मिल चुके हैं। एंड अब हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ये सीड्स डाल रहे हैं वीट के, जिससे हम लोग वीट उगा पाए। एंड बकरियों जो पेट्स होते हैं उन्हें वहाँ पे पालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका खाना जैसे ही ख़त्म होता है उनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोगों का काम पूरा होने ही वाला है एंड हमारा काम पूरा हो गया है। अब हम लोगों को इन्हें पानी देना होगा। तो गाइस अब हम लोग ख़रीद लेते हैं एक स्प्रेयर। तो हम लोगों ने ख़रीद लिया एंड जब हम लोग इसको खेतों में चलाएंगे तो फिर इसमें से पानी निकलेगा। अरे भाई तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, चल ही नहीं रहा। ओके एक बार ट्राई करता हूँ एंड ओके। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ये प्लांटर, इसीलिए हम लोग बड़े आसानी से अपना काम पूरा कर सकते हैं। ओके पहले ये वाली ग्राफिक्स नहीं आती थी पानी डालने में, लेकिन अभी ये वाली ग्राफिक्स आती है, जिसमें बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। ओके तो मैं फटाफट से ये काम पूरा कर देता हूँ एंड मैं मिलता हूँ बाद। तो गाइस हम लोगों ने अब ये वाला काम भी कर लिया है और अब हम लोगों को बस वेट करना है ये फसल कब उगेगी। एंड जस्ट हम लोगों को यहाँ पे खड़े हो जाना है एंड वेट करना है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे पत्ते उग गए हैं एंड 14% ग्रोथ हो गई है इनकी। एंड अभी इनकी ग्रोथ वापस से शुरू हो रही है एंड अभी जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये बहुत अच्छे दिखेंगे। तो गाइस हमारे पौधे से मतलब हमारा वीट उगने ही वाला है एंड रेडी हो गया ये। तो अब हम लोग इसे काट सकते हैं एंड ओके। तो हमें हार्वेस्टर ख़रीदना पड़ेगा, तो उसमें तो आई डोंट नो कितना पैसा लगेगा, लेकिन
खरीदना तो पड़ेगा हम लोगों को। फार्मिंग ओके गाइस, हार्वेस्टर हम लोग खरीद सकते हैं। अच्छा वो मेरे पास इतने सारे पैसे थे। ओ ये तो स्पॉन ही नहीं हो रहा गाइस, हम लोगों को इसे रिस्पॉन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया है। एंड ओके गाइस, तो ये स्पॉन हो गया हार्वेस्टर एंड हम लोगों को अब ये फसल काटनी है। ओके बाय हार्वेस्टर फ्रॉम व्हीकल शॉप एंड हार्वेस्टर। ओके तो ये क्या लगा है पीछे? ओह ये तो यहाँ तो ऐसे करने पे ऐसे फसल निकलेगी। तो गाइस मैं फटाफट से ये काम कर लेता हूँ। ओके तो गाइस पूरी फसल निकल रही है एंड मैं ये काम फटाफट से पूरा कर लेता। ओके तो गाइस हमारा काम पूरा हो गया है एंड अब हम लोगों को इसे ट्रैक्टर में भरना है जो भी हम लोगों ने। ओके वेटेड टू बी रेस्टिंग, तो अभी हम लोगों को इसे रेस्ट करने देना है। तो गाइस हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया एंड इसके अंदर हम लोगों ने भर दिया है वीट एंड अब हम लोग इसे कहाँ पर ले जाना है? मूव हार्वेस्ट, ए क्या लिखा था वो? अब गाइस शायद हम लोगों को इसे यहाँ पे लेके जाना होगा जहाँ पे ये निशान आ रहा है। ओके नहीं ओके देन यस यस ओके। हम लोगों ने क्रॉप्स खरीद बेच दी एंड हमें मिल गए खूब सारे पैसे। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड जिसने भी अगर कभी रियल लाइफ में फार्मिंग की हो तो वो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताना एंड मैंने तो एक बार की थी। सो बाय।